इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि एक सर्किट में जिसमें मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, एक एमीटर है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा जिसके कारण करंट फ्लो करेगा और ये एमीटर मेजर करेगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। हमने याद होगा एक टेबल बनाया था वी और आई का, जब वोल्टेज 2 था तो करंट 1, 4, 2, 6 और 3 था। फिर हमने यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि हमने जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा था और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी हटा था तो एक कॉन्स्टेंट आया था जिसको हमने रेसिस्टेंस बोला है ना। और ये रेसिस्टेंस होता क्या है ये भी बताया था कि ये रेसिस्टेंस कुछ नहीं एक अपोजिंग फोर्स है। रेसिस्टेंस क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो किसको अपोज करता है, करंट के फ्लो। ये सारा हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज तुमको इसको और क्लियर करना है, इस बात को समझो कि ये जो रेसिस्टेंस है ना इसको तुम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, ये कोई ऐसा एमिटर जैसा डिवाइस नहीं है या बैटरी जैसा डिवाइस नहीं है जो हम सर्किट में से निकाल देंगे और बोलेंगे कि अब तो एमिटर अब तो बैटरी नहीं लगा ना। ये जो रेसिस्टेंस है इसको तुम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। देखो रेसिस्टेंस बिल्कुल फ्रिक्शन जैसा है। क्या हम तुमको बोले कि तुम फ्रिक्शन कभी भी एलिमिनेट कर सकते हो, या बोलेंगे तुम दौड़ रहे हो ऐसा हो कि फ्रिक्शन लगेगा, तुम चल रहे हो ऐसा हो फ्रिक्शन लगेगा, तो बोलोगे नहीं सर फ्रिक्शन को हम लोग कभी भी कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। सिंपल व्यवस्थित तरीके से इस रेसिस्टेंस को भी हम कभी भी कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी है किसका, ये प्रॉपर्टी है किसका, ये इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, कि ये प्रॉपर्टी है कि जो रेसिस्टेंस है वो हमेशा सर्किट में रहेगा ही रहेगा, है ना। देखो इसका मतलब क्या है कि ये रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस कैन नॉट बी फिर भी ये रेसिस्टेंस सर्किट में हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो अगर ये रेसिस्टेंस नहीं होगा तुम उसको फील करो, देखो अगर ये मान लो इस इक्वेशन में अगर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो क्या बोलते क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अगर रेसिस्टेंस यहाँ पर नहीं रहेगा तो V इक्वल टू I हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का बैटरी लगाया हो तो करंट भी कितना फ्लो करेगा, 2 है 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन क्या ये एक्चुअली में ऐसा है, ये है तो नहीं, ये 1, 2 और 3 है तब जब ये 2, 4 और 6 है। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है सर्किट का वो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के बराबर फ्लो करने नहीं देगा। इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर तुमने 6 वोल्ट का बैटरी लगाया है तो करंट भी कितना फ्लो करेगा, बोलो 6 एम्पीयर का। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इस सर्किट हमेशा कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का लिया तो मेरा करंट कितना फ्लो किया, 3 एम्पीयर। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है आखिर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, बोलो ये 6, करंट कितना है 3 इंटू आर, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 6/3=2, ठीक है। रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू आ गया, 2, है ना, रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो करंट, इसका मतलब ये है कि ये जो रेसिस्टेंस है ना ये 2 है, इसका मतलब कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रेट का जो डिफरेंस है वो ये 2 है। इसका मतलब करंट जो है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा 2 गुना कम रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर तुमको हम बता रहे हैं, ये जो यहाँ पर करंट है इस पोटेंशियल डिफरेंस से जितना रेसिस्टेंस का जो भी वैल्यू आएगा, रेसिस्टेंस का जो भी यहाँ वैल्यू आएगा उसका मतलब ये है कि करंट जो है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस से उतना गुना कम है, उतना टाइम्स कम है। देखो है ना, 3 है ये 6 है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से 2 टाइम्स कम। देखो 2 है और 4 है तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट है यहाँ पर 2 वो पोटेंशियल डिफरेंस 4 से 2 टाइम्स कम है। सिमिलरली यहाँ 1 और 2, तो रेसिस्टेंस का जो भी वैल्यू निकल कर आएगा, हमें बात याद रखना रेसिस्टेंस का यहाँ पर कभी भी जो भी वैल्यू निकल कर आएगा उसका मतलब ये होगा कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से उतना टाइम्स कम है। तो द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इंडिकेट्स दैट द करंट इन द सर्किट
current in the circuit is that times less than the potential difference. क्या लिखा मैंने? The value of the resistance indicates that the current in the circuit is that times less than potential difference. इस वाले केस में resistance कितना है? 2. इसका मतलब जो current है वो potential difference से हमेशा 2 times कम रहेगा. या ऐसा भी बोल सकते हैं कि potential difference जो है वो current से 2 times ज्यादा रहेगा. ठीक है, दोनों चलेगा. या तो current उतना times कम रहेगा या potential difference उतना times ज्यादा रहेगा. तो इस तरीके से रेसिस्टेंस का ये सिंपल सा ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि कभी भी रेसिस्टेंस अगर किसी सर्किट में आता है, ये रेसिस्टेंस टर्म आता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को कैसे इन्फ्लुएंस करे. ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करेंगे. तो लोग इस छोटे से चीज के बारे में बोलते हैं. ठीक है, और बोलेगा. ठीक है, तो क्या है? हाँ, तो पर कर लिया था. अब छोटा सा चीज और पढ़ते हैं. जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका क्या डिफाइन करते हैं? पहले भी डिफाइन किया है, उसका यूनिट निकालते हैं. ठीक है, तो अगर हमको ये पता लगाना हो कि मेरा ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस है कितना होगा, ठीक है, तो देखो V इक्वल टू I इंटू R होता है. बोलो तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V डिवाइडेड बाय I लिख सकते हैं. चलो, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है ना, वोल्ट. और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. ठीक है, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर. रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर. इसी वोल्ट पर एम्पियर को एक्सप्रेशन नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं. इसी वोल्ट पर एम्पियर का एक स्पेशल नाम है जिसको क्या बोलते हैं? ओम. इसी वोल्ट पर एम्पियर का एक स्पेशल नाम है जिसको ओम. जस्ट सिंपल, जैसे करंट में I इक्वल टू क्यू बाई होता था तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोल देते थे. बोलते थे ना. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता तो क्या होता था? जूल पर कूलम को वोल्ट बोल देते थे. उसी तरीके से वोल्ट पर एम्पियर का एक स्पेशल नाम दिया गया है. तो मेरा ओम जो है वो रेसिस्टेंस का क्या हो गया? बोलो सर. वोल्ट मेरा क्या हो गया? सॉरी, ओम मेरा क्या हो गया? वोल्ट. ओम मेरा क्या होगा? जो कि वोल्ट पर एम्पियर है वो मेरा रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट. ठीक है, एक और छोटा सा चीज यहां पर पढ़ते हैं. जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है आज तक, बोलो, मेरे प्रीवियस लेक्चर में तुमने देखा होगा कि हमेशा मैंने उसका एक सिंगल यूनिट क्वांटिटी डिफाइन किया है ना. 1 एम्पीयर डिफाइन किया है, 1 वोल्ट डिफाइन किया है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफाइन करेंगे आखिर 1 ओम किसको बोले. अब तक तो तुम लोग को पता होगा है ना, अभी तक तुम लोग मास्टर हो गए होगे कि कभी भी किसी चीज का वन यूनिट डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं. बोलो सही है. सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला. तो लिखिएगा फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाई I. ठीक है, फिर क्या करेंगे? हर एक फॉर्मूले में हर एक जगह क्या क्या पुट कर देंगे? 1. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा? 1 ओम. हाँ, और इस ओम का जो सिंबल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट, ओम का ये सिंबल है, ऐसा यूनिट को ओम है रेसिस्टेंस का और उसका सिंबल है. तो मैंने यहाँ लिख दिया 1. ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट. और करंट कितना फ्लो किया? 1 एम्पीयर. है ना, अब तो बस इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना बच गया है ना. जब एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो? 1 वोल्ट. और सर्किट में कितना करंट फ्लो करे? 1 एम्पीयर. तो रेसिस्टेंस कितना ऑफर करेगा वो सर्किट? 1 एम्पीयर. 1 वोल्ट है ना. एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड एंड द करंट इन द सर्किट इज ऑफ 1 एम्पीयर एंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज 1 वोल्ट. सिंपल, जो लिखा हुआ है उसे एक्सप्लेन कर देना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का हो? 1 वोल्ट का. और मेरा करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा हो? 1 एम्पीयर. तो रेसिस्टेंस कितना ऑफर करेगा? 1 ओम. है ना, ठीक है. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सर्किट इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पीयर देन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट विल बी 1. ठीक है, थैंक यू.